Hey guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. So today we are going to discuss about second category of segmentation or zygotic gene, that is pair rule genes. If we recap our last video lecture, then in our last video lecture we discuss about the gap genes. There are some mutation case कि किस तरीके से गैप जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है तो वो हमारे फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर गैप क्रिएट कर देते हैं. हमने गैप जीन के अंदर इन पर्टिकुलर टाइप के जीन्स की बात करी थी कि किस तरीके से मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से हमारे एम्ब्रॉय के अंदर जायगोटिक जो एम्ब्रॉय है, जायगोट जो है, उसके अंदर एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड दिस ग्रेडियंट इज ऑफ हंचबैक, जियांट, क्रूपल, रिप एंड टेलीनेस. सो In today's video lesson, we are going to discuss about the second type of segmentation gene or zygotic gene, that is pair rule genes. Just like the gap genes, हमारे pair rule genes का जो नाम है वो ये denote कर रहा है कि अगर pair rule genes में किसी तरीके की mutation आती है तो इनके अंदर जो segments है, जो pairing है, उसमें defect आएगा. देखिए ये जो image है हमने last video lesson में भी discuss करी थी. So इस image में आप देख रहे हो कि हमारा जो fly embryo है, Drosophila embryo, उसके अंदर segmentation हमें देखने को मिलता है. एंड इन segmentation के लिए basically segmentic हमारे जो segmentation genes है, जिन्हें हम zygotic genes कह रहे हैं, वो हमारे responsible होता है. जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है गैप जीन्स, और इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर कंपार्टमेंट बना के उसमें पैरा सेगमेंट्स बनाता है पेयर रूल जीन्स. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आप हर सेगमेंट के अंदर हमारे क्या बन रहे हैं, पैरा सेगमेंट्स बन रहे हैं. और पैरा सेगमेंट्स बेसिकली वो कंपार्टमेंट है जिसमें हमने पहले सेगमेंट का पोस्टीरियर रीजन और दूसरे सेगमेंट का एंटीरियर रीजन लिया है. मेक श्योर इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें. पेयर रूल जीन्स का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि जैसे मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से हमारे गैप जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो रहा था, सिमिलरली जैसे इस इमेज में भी शो हो रहा है, हमारे गैप जीन्स का ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से पेयर रूल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा. मैंने कहा जो पेयर रूल जीन्स है, अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है तो इसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे सेगमेंट्स बने थे गैप रूल जीन्स की वजह से, उन सेगमेंट्स के अंदर कंपार्टमेंट बनेंगे. और कितने कंपार्टमेंट बनेंगे, उन कंपार्टमेंट को हम पैरा सेगमेंट कहेंगे. और इन पैरा सेगमेंट का नंबर कितना होता है, 14 इन नंबर. हर एक पैरा सेगमेंट के अंदर कुछ इस तरीके से हमारा कंपार्टमेंट डिसाइडेड होता है कि पहले सेगमेंट का पोस्टीरियर रीजन और उससे नेक्स्ट सेगमेंट का एंटीरियर रीजन मिलके एक पैरा सेगमेंट बनता है, है ना. तो इसी तरीके से जो पेयर रूल जीन्स है वो भी हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं और उनका एक ग्रेडियंट मेंटेन रहता है इन कंपार्टमेंट्स के अंदर, यानी इन पैरा सेगमेंट्स के अंदर. जैसे कि फर्स्ट पैरा सेगमेंट के अंदर एक अलग ग्रेडियंट रहेगा, सेकंड के अंदर हमारे अलग पेयर रूल जीन्स का ग्रेडियंट रहेगा, थर्ड में अलग पेयर रूल जीन्स का ग्रेडियंट रहेगा. जैसे इस इमेज के अंदर आपको शो हो रहा है, फूसी तराजू नाम का हमारा एक पेयर रूल जीन्स होता है जिसको हम एफ टी जेड प्लस से डिनोट करते हैं. उसका ग्रेडियंट आपको दिख रहा है कि सेकंड सेगमेंट में हमें फूसी ट्राजो का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, फोर्थ सेगमेंट में, सिक्स्थ में, एट में, यानी कि अल्टरनेट मैनर में पेयर रूल जीन्स अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं. यानी हर एक सेगमेंट के अंदर जो न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं वो पेयर रूल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे अल्टरनेट मैनर में. यानी कि अगर कोई पेयर रूल जीन्स फर्स्ट पैरा सेगमेंट में प्रेजेंट है तो वो थर्ड में प्रेजेंट होगा, थर्ड में है तो वो फिफ्थ में प्रेजेंट होगा, बट अपने एडजेसेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, I hope you getting my point, what I am trying to say. ठीक है, अब बात आती है कि पेयर रूल जीन्स जो है इनका ट्रांसक्रिप्शन कब इनिशिएट होता है. तो देखिए पेयर रूल जीन्स हमारे पास, हमने कहा था ना जायगोट से हमारा एम्ब्रॉय बनने तक की स्टेजेस अभी चल रही है. तो हमने कहा था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बाद गैप जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ, और गैप जीन्स के बाद पेयर रूल जीन्स का एक्सप्रेशन कब इनिशिएट होता है, जब हमारा एम्ब्रॉय अपने 13th क्लिवेज पर होता है, यानी कि 13th क्लिवेज डिवीजन पर रहेगा, उस टाइम पे उसमें पेयर रूल जीन्स का एक्सप्रेशन इनिशिएट हो जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है.
अभी हमने बात करी कि ट्रांसक्रिप्शन और पेयर रूल जीन्स की वजह से हमारा जो फ्लाई एम्ब्रॉय है उसके अंदर एक स्ट्रिप पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ये स्ट्रिप पैटर्न एम्ब्रॉय को 14 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, और ये 14 सेगमेंट कैसे बने हैं, पहले सेगमेंट का पोस्टीरियर पोर्शन, दूसरे सेगमेंट का जो नेक्स्ट वन है उसका इंटीरियर पोर्शन मिलके हमारा पैरा सेगमेंट बनता है। एक्सप्रेशन हमेशा कैसे होता है, ऑल्टरनेट मैनर में। अगर एक हमारा वन मान लीजिए पैरा सेगमेंट है, उसके अंदर अगर कोई पेरुल जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली जो उसका एडजेसेंट यानी कि सेकेंड पैरा सेगमेंट है उसके अंदर वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, है ना। ओके, सो हमारे पास मेनली कुछ ऐसे यहाँ पर हमने लिस्टेड किए हुए हैं कि हमारे पास कुछ मेन टाइप के पेयरुल जीन्स यहाँ पर हैं। अच्छा, पेयरुल जीन्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर में दिखाया हुआ है और बाकी हमारे जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए जो हमारे पेयरुल जीन्स है जिनका एक्सप्रेशन हमें पहले देखने को मिलता है ना, अब देखिए गैप जीन्स है, गैप जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के बाद उनकी ग्रेडियंट बनने के बाद ही पेयरुल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है एक साथ तो सारे के सारे हमारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो रहा है ना। तो होता क्या है, गैप जीन की वजह से जिन पेयर रूल जीन का ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले होता है, जिनका एक्सप्रेशन हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, उनको हमने बोल दिया प्राइमरी पेयर रूल जीन्स। ठीक है, यानी कि वो जीन्स जिनका हमें पहले एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो कौन से हैं, हेयरी जीन, इवन स्किप, रंट। ठीक है, इनका एक्सप्रेशन हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर मैं इवन स्किप की बात करूं तो जैसे अभी हमने 14th पैरा सेगमेंट की बात करी थी ना, तो जिस तरीके से फूसी ट्राजो हमारा सेकंड में सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ टेंथ ट्वेल्थ और 14th सेगमेंट में अपना एक्सप्रेशन शो करता है, वैसे ही जो हमारा इवन स्किप्ड है, ये इवन स्किप इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इवन सेगमेंट को स्किप करेगा, तो इसका एक्सप्रेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेगमेंट में, थर्ड में, फिफ्थ में, सेवेंथ में, नाइन्थ में, 11th में, 13th में, यानी कि ये हर इवन सेगमेंट को स्किप कर रहा है ना। तो दो यहाँ पर आपके पेयरुल जीन्स है जिनका एक्सप्रेशन आपने याद रखना ही रखना, इवन स्किप जो इवन सेगमेंट को स्किप करके अपना एक्सप्रेशन अल्टरनेट मैनर में शो कर रहा है, वन थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ और हमारा 11th एंड 13th सेगमेंट। फूसी टराजो की हमने बात करी, फूसी टराजो हमारे इवन सेगमेंट के अंदर अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, राइट। ओके, तो हमारे प्राइमरी पेयर रूल जीन्स में आते हैं हेरी, इवन स्किप और रंट, और सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स में आता है फूसी टराजो, ओड स्किप, स्लोपी पेयर और पेयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब गैप जीन की वजह से एक गैप जीन के एक्सप्रेशन की वजह से ग्रेडियंट बना, उसकी वजह से पेयर रूल जीन का एक्टिवेशन हुआ। पेयर रूल जीन्स में एक्टिवेशन किसका होगा, प्राइमरी पेयर रूल जीन्स का, प्राइमरी पेयर रूल जीन्स फिर फर्दर हमारे सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स का एक्सप्रेशन कराते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हम हमेशा बात कर रहे हैं कि भैया मैटरनल फैक्टर जीन ने गैप जीन्स का एक्सप्रेशन कराया, तो ऑल द टाइम ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट ही कर रहा है, वो उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस भी कर सकता है। सो इन द सेम वे गैप जीन्स भी पेयरुल जीन्स के एक्सप्रेशन को रिप्रेस भी कर सकता है और प्रमोट भी कर सकता है, टोटली डिपेंड करता है कि हम किस गैप जीन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा इवन स्किप स्ट्रिप, हमने बोला कि इवन स्किप स्किप की जो स्ट्रिप है कैसे बन रही है, हर इवन सेगमेंट को स्किप करके बन रही है ना, तो उसका एक्सप्रेशन रिप्रेस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस जियांट एंड क्रूपल। ये दोनों क्या है, गैप जीन्स ही है। तो जियांट का अगर ग्रेडियंट रहेगा, क्रूपल प्रोटीन का अगर ग्रेडियंट रहेगा, तो वो इवन स्किप को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसीलिए जो इवन स्किप है वो हमें किन किन सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, ऑल्टरनेट मैनर में, और कैसे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट सेगमेंट में, सेकेंड सेगमेंट में, यानी कि जिनको हमने अभी डिनोट कर रखा ना, ये एक्सप्रेशन हो रहा है, ये एक्सप्रेशन हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है, इवन स्किप की स्ट्रिप्स बन रही है अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज पता चली कि गैप जीन्स भी हमारे पेयरुल जीन्स को रिप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं जो पेयरुल जीन्स है उनकी वजह से हमें फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर जेब्रा स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं। आपको इस इमेज में अच्छे से दिख भी रहा है, जेब्रा स्ट्रिप का मतलब एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, तो ये जेब्रा स्ट्रिप हमें देखने को मिलती है, राइट। और ये किसकी वजह से, उनके ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा है। एक सेगमेंट में जिस न्यूक्लाई ने अपने जीन का एक्सप्रेशन किया है,
है वो नेक्स्ट सेगमेंट में नहीं करेगा. सो कुछ हर एक न्यूक्लियाई अपने कुछ सिलेक्टिव पेयर रूल जीन्स को ही एक्सप्रेस करता है उस पर्टिकुलर पैरा सेगमेंट में. ठीक है, इतनी बातें क्लियर है. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो पेयर रूल जीन्स है इनका एक्सप्रेशन दो तरीके से कंट्रोल होता है. जो स्ट्राइपिंग टाइप का हमें देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रिप्स हमें देखने को मिल रही है जेब्रा स्ट्रिप्स, वो दो तरीके से कंट्रोल हो सकती है. पहला, सिस रेगुलेटरी एनहांसर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये सिक्स रेगुलेटरी एनहांसर क्या करेंगे, मॉड्यूलर की तरह काम करेंगे जो पेयर रूल जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा. दूसरा, ट्रांस रेगुलेटरी गैप जीन्स प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, इन्हीं इनहांसर की साइट पर बाइंड करके डिसाइड करते हैं कि पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट करना है या उसको सप्रेस करना है. ठीक है, आपको इनके म्यूटेशन केस याद नहीं रखने हैं, बस आपने दूध ही याद रखना है कि प्राइमरी पेयर रूल जीन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं. प्राइमरी पेयर रूल जीन्स में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इवन स्किप, जिसके लिए मैंने कहा कि भैया इवन स्किप है तो मतलब नाम से याद रखेंगे इवन सेगमेंट को स्किप करके जिसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है. और दूसरा, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स में आपको याद रखना है फूसी टेराजो. फूसी टेराजो कहाँ का एक्सप्रेस होगा, जो हमारे इवन सेगमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 और हमारा 12 और 14, उनके अंदर उनका एक्सप्रेशन हो रहा है ना. तो अगर आपसे म्यूटेशन केस आते भी एग्जाम में तो ऑफकोर्स वो ही दोनों से पूछेगा, राइट. सो हमने क्या चीजें पढ़ी, एक्सप्रेशन ऑफ ईच पेयर रूल जीन्स इन 7 स्ट्रिप डिवाइड देम रो इनटू 14 पैरा सेगमेंट्स, जो भी हम इन लास्ट इमेज के अंदर हमने देखा था, विद ईच पेयर रूल जीन बींग एक्सप्रेस इन ऑल्टरनेट पैरा सेगमेंट. यानी कि हर एक जो पेयर रूल जीन है वो ऑल्टरनेट मैनर में एक्सप्रेस होगा. ठीक है, मोर ओवर ईच रो ऑफ न्यूक्लियाई विद इन ईच पैरा सेगमेंट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर एंड यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर रूल प्रोडक्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया. दिस प्रोडक्ट विल एक्टिवेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन जीन, जिसे हम कह रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन. अब इतनी बातें तो अभी तक हम समझ ही चुके हैं. देखिए हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे समझी है, हमने मैटरनल इफेक्टर जीन को देखा, उसके बाद हमने देखा तीन तरीके के जायगोटिक जीन्स होते हैं, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जिसमें हमने गैप जीन्स को कंप्लीट कर लिया, पेयर रूल जीन्स कर लिया. अब ये गैप जीन्स और पेयर रूल जीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो नेक्स्ट टाइप के सेगमेंटेशन जीन को यहाँ पर इनिशिएट करेगा, यानी कि उनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, दैट इज सेगमेंट पोलैरिटी जीन. सेगमेंट पोलैरिटी जीन से ही पता चल रहा है कि इन जीन के एक्सप्रेशन के बाद हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड होगी, है ना. हमने क्या देखा था, गैप जीन से सेगमेंट बने, उन सेगमेंट के अंदर पैरा सेगमेंट बने पेयर रूल जीन्स की वजह से. अब पैरा सेगमेंट की पोलैरिटी बनेगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा, क्योंकि हर एक सेगमेंट की भी तो अपनी पोलैरिटी है ना, वो किसकी वजह से बनेगी, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से, जिसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे. और इन तीनों सेगमेंटेशन जीन के प्रोडक्ट से हमारा नेक्स्ट जीन एक्टिवेट होता है, जिसे हम होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेगमेंट को अपनी आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करेगा, यही होम्योटिक सिलेक्टर जीन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो आई होप गाइस कि लेसन आपके लिए थोड़ा सा सिंपल रहा होगा. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. And thank you so much guys for watching this video.